Yes. So, first of all, good morning to all of you. In last class, we have studied a part of the principles of prevention of diseases. इससे पहले हम डिजीज का ट्रीटमेंट पढ़े थे. In last class, one part of the disease prevention, how diseases can be prevented. Here we are discussing about the prevention of infectious diseases. So, how to prevent diseases? There are two principles. दो principle है disease को prevent करने की. एक तो आपको बताया था कि एक होता है general methods और एक होता है specific methods. General method है specific methods. In general method, we have to prevent the exposure of germs. हमको germs के exposure को prevent करना है. Germs या worms, five pathogens का group मैंने आपको कहा था. Bacteria, virus, protozoa, fungi and worms. These are the five groups of pathogens mainly responsible for infectious diseases. So, general methods जो है how to prevent diseases, उसको भी हम दो ग्रुप में बांटते हैं. One is prevent the exposure of diseases, exposure of disease causing germs or exposure of pathogens, and second boost your immunity. Okay, in the first जैसे बताया था कि हमको क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, फ्रेश फूड लेना है, फ्रेश वाटर लेना है, फ्रेश एयर ब्रीथ करनी है, ठीक है, मॉस्किटो नेट लगाना है, आसपास को साफ रखना है, किसी के साथ फूड शेयर नहीं करना है, सेम यूटेंसिल्स में किसी दूसरे का कपड़े नहीं पहनने हैं, अपने आप को हमको हाइजीन मेंटेन करके रखना है. सो दिस वेयर द वेज बाय विच वी कैन चेक द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन टू द बॉडी. ये हम कर चुके हैं. द सेकेंड थिंग इज टू वी हैव टू इंप्रूव आवर इम्यूनिटी बाय मीन्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम. सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो दो बातें हमने की, एक तो हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाई, दूसरी बात हमने निकला क्या, जर्म्स को आने ही नहीं दिया, एक्सपोजर ऑफ जर्म्स जो है उसको अवॉइड किया. यदि किसी सोर्स से थोड़ा बहुत जर्म्स आ भी जाएगा is able to fight if we have a strong immune system. So in the last class we have dealt with the general methods. Now today's topic is
कॉमन और ऑल द पैथोजन, जितनी भी बातें मैंने आपको कही उससे कोई भी जर्म्स हमारे बॉडी में नहीं आएगा, वर्म्स हमारे बॉडी में नहीं आएगा। यदि वर्म्स ही नहीं आएगा, जर्म्स ही नहीं आएगा, तो हम कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होगा। सो जनरल मेथड्स आर कॉमन फॉर ऑल पैथोजेंस। स्पेसिफिक मेथड्स के ऊपर में क्या है? स्पेसिफिक मेथड आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपको समय दूंगा, आप पूछेंगे, बीच में बोलेंगे तो दूसरे को भी डिस्टर्बेंस होगी और मेरा भी ध्यान चला जाएगा। सो मस्ट बी केयरफुल, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग और एट लास्ट राइट द क्वेश्चंस, ठीक है? आपको क्वेश्चन को एक भूल जाएंगे, इसलिए आप लिखते रखें। तो हम या तो शुरू करते हैं, उससे पहले पूछ लीजिए या अभी खत्म जब होगा तो आप पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू टाइम, दे नहीं देता तो फिर भी टाइम देंगे आपको, ठीक है? स्पेशल मेथड इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक जर्म्स। दिस मेथड स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जर्म जो होता है वह स्पेसिफिक होता है। मान लो कि कोई पोलियो का वैक्सीन लिया है, इसका मतलब पोलियो का जो वायरस है उसके अगेंस्ट उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, न कि मलेरिया के अगेंस्ट। यदि कोई हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेता है तो उसका बॉडी हेपेटाइटिस बी से मुकाबला कर सकता है, न कि दूसरे डिजीज से। यानी अलग अलग डिजीज से फाइट करने के लिए हमको अलग अलग वैक्सीन लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाई स्पेसिफिक मीन्स ये कॉमन नहीं है, सबके लिए नहीं है। यहां तो आपने देखा था स्पेसिफिक है, जर्म्स को नहीं आने दिया और बॉडी के इम्यूनिटी को हमने बढ़ा दिया, तो हमें या तो जर्म्स नहीं जाएगा तो या थोड़ा बहुत जाएगा भी, तो हमारा बॉडी उससे एबल है, फाइट कर सकता है। तो ये जो मेथड्स थे वो सभी जर्म्स पर लागू था। वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेसिफिक मेथड, इट मीन्स इट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल द पैथोजेंस। अब देखो इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में होता क्या है, हम अपने इम्यून सिस्टम को किसी स्पेसिफिक जर्म्स का कुछ पार्ट या जर्म्स मरा हुआ बॉडी में डालते हैं, जर्म्स डालते हैं बॉडी में, वीक जर्म्स डालते हैं, कमजोर जर्म्स डालते हैं या जर्म्स के प्रोडक्ट डालते हैं। देखो हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी कि जब कोई जर्म्स हमारे बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, सेल्स बनाना शुरू करता है और उस जर्म्स को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब जो जर्म आया था उसको तो बॉडी ने खत्म कर दिया धीरे धीरे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया, उसके अगेंस्ट सेल का प्रोडक्शन कर दिया, जर्म्स खत्म हो गया, बीमारी नहीं हुई, लेकिन हमारा बॉडी उसको याद रखता है। इट इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ
सम स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो जर्म्स को याद रखते हैं, और वही जर्म यदि दोबारा कभी आता है तो बॉडी को पहले से पता है कि कौन आया था, किससे मुलाकात हुई थी, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो कम समय में उस जर्म्स को बॉडी खत्म कर देता है। दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्लॉइटेड तो क्रिएट इम्यूनिटी इन बॉडी, सो स्पेसिफिक मेथड टू प्रिवेंट द डिजीज इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स द प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच इम्यूनिटी is developed in body. In body against a specific pathogens. It's called immunization. The process by which immunity is developed in body against a specific pathogens is called immunization. Immunization is performed. Immunization is performed with the help of vaccination. Immunization is performed with the help of vaccination. So, we use vaccine. हम लोग vaccine use करते हैं. Vaccine use करते हैं specific pathogens के against immunity create करने के लिए. अब देखिए वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्या है उसकी बात हम करते हैं। इम्यूनाइजेशन को समझ गए कि बॉडी में हम यदि इम्यूनिटी कर क्रिएट कर दें तो इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और स्पेसिफिक जर्म्स के अगेंस्ट करेंगे, स्पेसिफिक जर्म्स खास जर्म्स के अगेंस्ट, सभी जर्म्स के लिए नहीं होगा, अलग अलग जर्म्स के लिए available. तो वैक्सीन क्या है आपके लिए? वैक्सीन इट इज वीक और किल्ड जर्म्स और देयर प्रोडक्ट्स given to a person. It is weak or killed germs or their products given to a person to develop immunity against such germs. Vaccine क्या समझ में आ गया होगा? ये कुछ नहीं है, vaccine weak germs है, attenuated germs है, मरा हुआ जर्म भी हो सकता है या Yeah.
ठीक है, उसको हम बॉडी में डाल देते, चूंकि वो वीक है इसलिए वो बीमारी को नहीं कर सकता। हमने पोलियो का दो बूंद ही पिलाना है, दो बोतल नहीं पिलाते, क्यों कि पैथोजेंस की संख्या यदि ज्यादा रहेगी या कि टॉक्सिसिटी ज्यादा है तो वैक्सीन यदि देंगे तो उसी समय वह उस डिजीज का विक्टिम हो जाएगा। इसलिए वैक्सीन का डोज होता है, ज्यादा अमाउंट में जर्म्स हमारे बॉडी में नहीं डाला जाता है। जर्म्स भी कैसा होता है, या तो पील होता है, या पील होता है, या उसका प्रोडक्ट होता है। वैक्सीन दिए थे, उसी के लिए फेमस हैं। उन्होंने देखा था कि जिसको कॉम पॉक्स होता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, जिसको कॉम पॉक्स होता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्योंकि दोनों का वायरस जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसका मतलब the person is famous for discovery of vaccine against smallpox. He is Edward Jenner.